गाइस, हाउ आर यू। हम लोग आए आज कैफे एक नाइट और देखेंगे कैसा है यहाँ का खाना और एम्बियंस कैसा है, ये भी चेक करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक आप लोगों को रिव्यू करेंगे। मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आइएगा यहाँ पर, मैं आपको बता दूँगी कैसा है ये। चलते हैं। ज़बरदस्त है, बिल्कुल मेन रोड पे बाहर से बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पर है। अच्छा भाई, हम आ गए हैं यहाँ पे कैफे एक नाइट में, ऊपर आ गए हम। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है और आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है ये सही से, बिल्कुल थोड़ा चुप हो जाओ यार तुम लोग। अच्छा, ये आप लोगों को बिल्कुल सही से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये पूरे रेड फ्लावर्स से जो है ना डेकोरेट हुआ हुआ है। मैं आपको इसको क्लोजअप दिखाऊँगी मैं आप लोगों को इसका, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड, वो भी आप लोग दे देंगी रिव्यू दे देंगी। चले मैं आपसे मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड्स को। ये मेरी फ्रेंड है अफशा, हेलो, और ये है माँ जबी, और हम आए यहाँ पे रेस्टोरेंट का रिव्यू करने के लिए। बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे, अच्छा है ये, बहुत ज़बरदस्त है ये। देखिए इसका एम्बियंस चेक करें बस। ये आ गई भाई मेरी फ्रेंड्स, हाय, हेलो। अच्छा, वेटिंग भी है आप लोग? यस। ओके, और आप सबको देखिए मेरा दिल ले। तो हमने ऑर्डर किया ये मटन कढ़ाई और ये फ्लैटर, क्योंकि हम तीन ही बंदे हैं यार। अच्छा, हर चीज़ में अपना अपना अलग अलग टेस्ट है ना, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब मिक्स हो जाए टेस्ट। अच्छा, मतलब इसके स्पाइसेस बहुत बैलेंस है ना, ये बोटी कौन सी है? ये सॉस है, ये टिक्का है, हाँ टिक्का, और ये सीख कबाब भी जो है ना बहुत ही जूसी है। नाम मंडी की सबसे अच्छा उनका सीख कबाब है, सबसे अच्छा। ज़बरदस्त लग रही है यार कढ़ाई, आहा मस्त कम मस्त कम, ज़बरदस्त मटन कढ़ाई, इतनी अच्छी तो मैंने कभी नहीं खाई यार। ज़बरदस्त, मैं पाकिस्तान में रहती हूं, मैं इतना अच्छा खाना पहली बार खा रही हूं।
और अब आ गई है हमारी मीठे की बारी, वो हम मीठा खाएंगे। लाओ यार साथ साथ रिव्यू करो मीठे का। चलो चलो भाई चलो थ्री मिल्की केक है भाई ये, और बहुत ही यम्मी है। हाँ भाई हमने खा लिया खाना और ज़बरदस्त खाना था बिल्कुल। और इनके जो कबाब थे, और पता नहीं चिल्लू कबाब थे या फिर टर्किश कबाब थे, जो भी कबाब थे मेरा तो उन पे दिल आ गया, तो वो कबाब खाने के लिए मैं दोबारा आ सकती हूँ। आप लोग भी आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ और मेरी फ्रेंड्स भी रिव्यू देंगी, इनका भी रिव्यू चेक करें। हम सब अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं, यहाँ पर एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। खाना कैसा लगा भाई आपने? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। बस हम लोग यहाँ पे आए और इंजॉय करें। और अब आपको कैसा लगा? बहुत बहुत टेस्टी। सबसे अच्छा मुझे स्पाइसेस इनके बहुत नॉर्मल थे, बहुत बहुत टेस्टी, अच्छा लगा। इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, फैमिली के साथ आएंगे। और ये कि इनके स्पेशली चुल्लू कबाब और उससे ज़्यादा टर्किश कबाब बहुत टेस्टी थे। हाँ, और मुझे भी वही बहुत अच्छे लगे। और स्पेशली ये मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान आने के बाद पहली बार यहाँ पर कहीं बाहर मैंने ऐसी जगह खाना खाया है जहाँ पर मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। वरना जैसे ही मैं यहाँ पर खाना खाती हूँ ना बाहर कहीं, तो फ़ौरन से जो है ना वो नेचर कॉल आ जाती है, वॉशरूम जाना पड़ जाता है मुझे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पाइसेस बहुत ही बैलेंस थे और मिर्ची भी बहुत बैलेंस थी, ना ज़्यादा थी ना कम थी। बहरहाल ये तो लोग अपने टेस्ट के हिसाब से करवाते हैं, मैंने भी थोड़ी लाइट करवाई थी। सिक्योरिटी सिस्टम भी इनका काफ़ी अच्छा था। और पिक्चर्स तो हमने यहाँ पर इतनी ले ली कि जैसे हम पिक्चर्स लेने के लिए ही आए थे। ओवरऑल इनका एम्बियंस इतना अच्छा है कि यहाँ पर कोई भी जो है ना इवेंट हो सकता है। यहाँ पर निकाह की पार्टी हो सकती है, छोटी मोटी पार्टियाँ, बर्थडे पार्टी, मेहंदी हो सकती है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, हमारी एक फ्रेंड की मेहंदी है तो हम सोच रहे थे यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है और आजकल जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई है। पिक्चर्स वगैरह बहुत ही अच्छी आ रही थी तो हमने कुछ ज़्यादा ही पिक्चर्स ले ली। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्री ऑर्डर करके भी आ सकते हैं, मैंने तो प्री ऑर्डर ही किया था क्योंकि मुझे वीडियो ब्लॉग के लिए परमिशन भी लेनी थी। मैंने इनको व्हाट्सएप किया इनके फेसबुक पेज पे और प्री ऑर्डर करके हम आए, तो हमारा सर्विंग टाइम भी 10 मिनट में हमें सर्व कर दिया था इन्होंने। जिन लोगों को ये होता है कि भाई 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, वो तो पहले से जो है ना क्या कहते हैं अपनी बुकिंग करवा कर आ सकते हैं और थोड़ी सी पेमेंट कर दें आप और अपना जो है ना क्या कहते हैं ऑर्डर प्लेस कर दें पहले से ही। हाँ, मैंने तो यही किया था एक्चुअली। बफर जोन वाले जो है ना, आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आप लोगों के एरिया में इस तरह का रेस्टोरेंट है। अगर मैं यहाँ रहती तो मैं मेरे ख्याल से हर हफ्ते आती यहाँ पर। अच्छा माहौल है यहाँ पर, खाना पीना सब जगह मिल ही जाता है, लेकिन खैर खाने पीने का भी यहाँ पर टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली यहाँ पर जो है ना वो शाहरुख कबाब देख कर आई थी, 1 मीटर का इनके पास कबाब होता है। लास्ट में मैं उसकी वीडियो शो करूँगी, मैंने नहीं मंगाया क्योंकि हम लोग 3 थे। जब मैं फैमिली के साथ आऊँगी तो ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, या फिर आप लोग आएगा तो फिर आप लोग ट्राई करके मुझे मेरी इसी वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा कि शाहरुख कबाब कैसे हैं, तो फिर उसका फ़ीडबैक भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इवन स्टेयर्स पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है, बस इनको थोड़ी सी जो है ना सजेशन ये है कि वॉशरूम पर जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा काम करें। वॉशरूम जबकि अवेलेबल है, मेरी एक फ्रेंड गई हुई थी। अब आप लोग हमारी पिक्चर मुलायजा फरमाएं और लास्ट में शाहरुख कबाब की वीडियो देखकर और फिर ये वीडियो जो है ना क्या कहते हैं ये व्लॉग बन कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। और मुझे सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें, दोस्तों के साथ भी ये रिव्यू शेयर करें, और इसके अलावा अपनी फीडबैक भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं।
अपना बहुत ख्याल रखें, और ये हैं इनके शाहरुख कबाब जो खाने के लिए आप ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़।